आज हम मौजूद हैं गांव झिकतिया ब्लॉक कोढ़ा जिला कटिहार, जहां पे श्रीकर मक्का का 18-18 का प्लॉट लगा हुआ है और प्लॉट पे किसान भी मौजूद हैं। जानते हैं किसान से कुछ इसकी विशेषताएं, खूबियां। नमस्कार चाचा, हम श्रीकर सीड से पंकज कुमार सिंह जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रमणि मेहता, घर झिकटिया, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार, पोस्ट लक्ष्मीपुर, भाया गुरु बाजार। अच्छा, आप ये कौन सा मक्का लगाया है? ये श्रीकर 18-18 को लगाए हैं। श्रीकर 18-18 लगाया जी। ये कितने तारीख को लगाए थे? 21 नवंबर। 21 नवंबर को जी। 21 नवंबर को जो लगाए, जनमिशन कैसा हुआ था इसका? जनमिशन तो ठीक ही हुआ था, लेकिन यही हुआ चूहा ने थोड़ा जो है उसको खा गया था। चूहा महीना खा गया? हाँ, तो कुछ पतला हो गया। जो आपका बचा हुआ चूहा महीना से खा के जो बचा हुआ है, आपका कैसा फसल है? फसल अभी करीब करीब ठीक है सर। फसल ठीक है ना जी। जनमिशन में दिक्कत नहीं था? दिक्कत यही हुआ कि चूहा महीना खा गया जी। अच्छा, ये अभी आपका जो फसल है, अभी आपको देखने में कैसा लग रहा है? देखने में तो ठीक लग रहा है सर। देखने में ठीक लग रहा है जी। अच्छा, रोपने से पहले इसमें खाद भी डाले थे? रोपने से पहले जी हाँ। कैसे कैसे डाले थे? DAP, पोटास वगैरह ये थी सब दे करके, जमीन में देकर मिला दिए थे गाड़ी से। अच्छा, आ उसके बाद मतलब जब पौधा बड़ा हुआ उसके बाद कब खाद दिया? जब इतना बड़ा हुआ ना सर, तब थोड़ा थोड़ा जड़ में दे करके मिट्टी चढ़ा दिए और उसके बाद पानी उस पर चला दिए। पानी चला दिए जी। उसके बाद दोबारा खाद अभी तक नहीं दिए? नहीं, उसके बाद पानी इधर जो है, इधर दो चार पाँच रोज होता है, 10 रोज, 5 रोज अंदर तो पानी पटा करके उस पर थोड़ा थोड़ा यूरिया दे दिए। थोड़ा यूरिया दे दिए जी। अच्छा, अभी एक चीज़, आप तो पानी पटाते हैं, खाद भी अपने से देते हैं जी, आप अंदर भी घुसते हैं और बाहर भी देख रहे हैं जी, बाहर अंदर आपको कैसा लग रहा है? बाहर अंदर करीब करीब ठीक है सर। मतलब एक समान है बाहर अंदर? एक समान? हाँ, एक समान। कहीं कहीं जो थी है मूसा का थी पतला है, नहीं तो हर जगह एक रंग है। एक रंग है जी। चलिए, वो तो मूसा खा गया तो उसका तो गिनती नहीं रहता है, लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि इसमें आपका डबल परसेंटेज कितना होगा भुट्टा का? डबल परसेंट 75% करीब करीब हम मानते हैं। 75% आपका डबल होगा जी, तो मेकअप तो आपका उसी में हो जाएगा जी। अभी फसल देखने में आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे ये फसल के बारे में? फसल तो अभी देखने में अच्छा ही लग रहा है कि करीब करीब ठीक है। ठीक है जी। मतलब अगल बगल से जो देख रहे हैं आपका उससे ठीक अच्छा है? ठीक है सर। अच्छा चाचा, अपना थोड़ा परिचय देंगे? मेरा नाम उमाकांत मेहता, घर झिकटिया, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार, पोस्ट लक्ष्मीपुर, भागलपुर। अच्छा, अभी हम लोग जो श्रीकर 18-18 जो लगा हुआ है वो खेत में है, और आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको देखने में कैसा लग रहा है? फसल तो अच्छा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई दो मत नहीं है? फसल तो अच्छा है। अच्छा, अच्छा में आपको क्या क्या इसमें नज़र आ रहा है? अच्छा तो अभी मोचा निकल रहा है, तो मोचा निकलने के बाद अब दाना उसमें भरेगा, पकेगा, तब ना उस क्या वजन होगा तब ना हम लोगों को दिखाई देगा। अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं लगा हुआ, जिस स्थिति में उस स्थिति की बात हो रही है। अभी पौधे का बढ़वार कैसा है? ग्रोथ न बड़ा है न छोटा है, मीडियम मतलब क्लास में। देखने में सुंदर लग रहा है? हाँ जी हाँ, वो अच्छा है। और आपके हिसाब से आपका भी राय है इसमें कि डबल भुट्टा का परसेंटेज कितना होगा? वही 70% होगा। चलिए, आपने भी दूसरी वेराइटी का लगाया हुआ है मक्का जी, तो एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, एक ही गाँव में तुलना कर लीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल सही है ये बात। अभी भी आप देख सकते होंगे जो है उससे आपका तुलना होगा। चलिए, बाकी नाप तोल काट के अब जब देखिएगा वजन होगा, हम लोग दिखा देंगे, हम लोग फिर आएंगे जी। ठीक है, अच्छा, हम लोग वजन तक रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, वजन तक जब आइएगा तब हमसे भेंट होगी, तब ना हम जानेंगे।
चलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।